पत्र जारी किया है 40% जिसमें उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। समाजवादी पार्टी इस कांग्रेस के घोषणा पत्र से कैसे निपटेगी? क्या यहाँ कोई जमीन उनकी है? जमीन है कुछ है? इतना भर कहीं जमीन है? जब जमीन ही नहीं है पूरा का पूरा आपका इसकी कांग्रेस की या किसी की, अब किसी की कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नेताजी ने तो कहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि आप लोकसभा विधानसभा में प्रस्ताव बना करके ले आइए और जिस तरह से पंचायत चुनाव में 33% का आरक्षण है आप लोग प्रस्ताव बना के उसी तरह से ले आए तो हम 50% देने के लिए तैयार हैं। 40 की बात क्यों करते हैं? हम तो 50 देना चाहते हैं, लेकिन प्रस्ताव तो आए जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं प्रस्ताव आया महिलाओं के लिए? तो आज तो जमीन ही नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, फिर क्यों इस तरह की तो झूठा जुमला है और फिर जुमले महिलाओं को जुमला दे करके फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो 102 नंबर एम्बुलेंस, 108 नंबर एम्बुलेंस, कन्या भी दिया था। सवाल हमारा अखिलेश सरकार की उपलब्धियों पर नहीं है, सवाल हमारा है कांग्रेस के घोषणा पत्र पर महिलाओं को लेकर। जब मैंने कह दिया कि उनके पास कुछ जमीन ही नहीं है, जब उनकी सरकार थी तो प्रस्ताव बना के ले आना चाहिए, ऐसे तो होता नहीं है कि हम टिकट दे देंगे उसे मान लिया जाएगा। आप जिस तरह से रिजर्वेशन है उसी तरह से 33% का रिजर्वेशन करके 50% का रिजर्वेशन करें हम मान लेते हैं। हमारी भी सरकार चाह रही है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में है उस तरह से ले आए, हम महिलाओं को देंगे। महिलाओं को तो हमेशा सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया था। मैं लीलावती कुशवाहा आप देख ही रहे हैं, बैगर वोट का बैगर चुनाव लड़े हम तो विधायक बनाया गया। तो जब हमारी पार्टी ऐसे ही बनाती है और सम्मान देती है महिलाओं को, फिर ये लोग तो जुमलाबाजी बोलते हैं। बीजेपी भी महिलाओं के सम्मान का दावा करती है और कहती है कि हम भी जो है महिलाओं को काफ़ी जो है आगे बढ़ाएंगे। अच्छा क्या किया है आप बताइए, एक दो काम बता दीजिए महिलाओं के लिए। डबल इंजन की सरकार अब फेल हो गई, वो इंजन दूर दूर उड़ गया, अब कहीं नहीं बचा है। अभी तो आप देख रहे थे कि लाल टोपी पर लोग बात कर रहे हैं, डरे हुए हैं। ये लाल टोपी से इसलिए डरे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए उल्टा सीधा बयान दे। अच्छा एक सवाल और है, अभी यहाँ मंच से एक ये भाषण में आपके एक समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा किया जा रहा है।